हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शुगर एंड सॉल्ट विद रिचा। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बनने वाले वनीला केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी हैवी बॉटम बर्तन या फिर पैन लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क। नॉर्मल घर का दूध लिया है मैंने, इसी के साथ ऐड कर देंगे 1/4 कप बटर और इसको लो फ्लेम पे अच्छे से हीट करेंगे 1-2 मिनट तक। हमें इसको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना है, बस बॉइलिंग से जो पहले का पॉइंट होता है, बॉईल होने से जस्ट पहले आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक टिन भी ग्रीस करके रख लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें लेंगे 2 अंडे, एग रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए आपके। और अब इसको बीटर की हेल्प से धीरे धीरे बीट करेंगे, लगभग 1 मिनट बीट करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। चीनी हमें एक बार में ऐड नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और उसको बीट करते रहेंगे। यहाँ पर मैं 3 बैचेस में ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और उसे अच्छे से बीट करते रहेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने सारी चीनी ऐड कर दी और अब इसे मैं 2 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट कर लूँगी। कंटिन्यू बीट करूँगी और बीट करते करते आप देखेंगे कि 2 से 4 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल एयरी एंड फ्लफ़ी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी टेक्सचर हो गया है, बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसके बाद अब स्ट्रेनर लीजिए और उससे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और उसको छान लूँगी अच्छे से। ये देखिए, इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इन सबको अच्छे से छान लूंगी। अच्छे से छन जाने के बाद अब इसको हम मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि जो भी एयर हमने इनकॉर्पोरेट की है अभी बीट करके वो रहनी चाहिए। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और जो हमने दूध और बटर का मिक्सचर बना के रखा था उसको भी ऐड करेंगे। ध्यान रहे वो गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ठंडा हो गया तो आप दोबारा से थोड़ा गर्म कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर हमारा आ चुका है, प्रॉपर बैटर बन चुका है। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। और चलिए अब इसको ग्रीस किए हुए टिन में डाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ है। 1-2 बार टैप करेंगे और इसको बेक कर लेंगे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 to 40 मिनट्स। चलिए अब चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारा केक परफेक्ट बेक हो चुका है। एक टूथपिक से हम इसको चेक कर लेते हैं। केक को मैंने ठंडा करके डीमोल्ड कर लिया है। अब इसका बटर पेपर निकाल देते हैं और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर आया है। आपको केक की हाइट थोड़ा कम लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़ा टिन यूज़ किया था। आप जब भी इसको बेक करें तो 5 या 6 इंच का ही टिन यूज़ करें। और ये देखिए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बन के आया है। ये देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं या कोई भी आइसिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप घर पर ही एक सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजी रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।